दूसरी कहानी वो और मज़े की है। दूसरी कहानी ये कि सर ठीक है, हमें समझ में आ गई भाई, सोच हम बड़ी कर लेंगे और सोच बड़ी करने के बाद सर हम काम भी करेंगे और हम मेहनत भी करेंगे, दिन रात लगे भी रहेंगे, अच्छा फिर इसका नतीजा भी चलो हमें पैसे की सूरत में, ब्रांड की सूरत में सब कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन सर फ़ायदा क्या हुआ, बस अगर हम ऐसे भी जी लें तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है ना भाई, हैं किसी की तरफ से पाबंदी तो नहीं, ज़्यादा क्या है, माँ बाप की तरफ से थोड़ी बहुत ही है ये। अच्छा दूसरी जो कहानी है ना वो इससे ज़्यादा मज़े की है, वो ये कि आपको ये पता चलेगा कि आपको क्यों करनी चाहिए मेहनत। आज मेरे ख्याल में आज सबसे कम बच्चे बैठे हैं सेशन के अंदर, इतने नहीं कभी बैठे कम। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं बोलता आज सेशन नहीं कर रहे भाई जाओ, लेकिन मेरा नहीं सेशन करेंगे, क्यों करेंगे, दो बच्चे भी बैठे होते मैं सेशन कर देता। एक वक्त एक सेशन मेरा ऐसा था, मुझे याद है सोक्रेटीज नहीं अरस्तू वाला, उसके अंदर दो बच्चे बैठे थे, उसमें सिर्फ दो लड़के थे मुझे याद है, एक वो हैदर था एक वो उमर था, दूसरा उमेर 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 था, उमेर था उसका, उमर तो ये है ठीक है। लेकिन मैंने सेशन किया था क्योंकि मुझे पता ये दो सुन रहे पीछे 100 और सुन रहे, 100+ ही सुनते हैं। अच्छा खैर दूसरी कहानी सुनना, ये भी एक कहानी, एक बच्चा होता छोटा सा, वो ना अमेरिका में ना जो एक ना बीच था उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, वहाँ से क्या था, स्टार फिश देखी आपने, स्टार फिश, फिश जो होती है स्टार लाइक शेप होती है उसकी, तो स्टार फिश जो होती है ना वो दरिया से ना तैर के ना 1 मिनट के अंदर ना समझो 50 से 60 बाहर आ जाती हैं, और थोड़ी देर पानी में ना रहे तो मर जाती हैं, मतलब क्या होता है अगर थोड़ी सी भी देर पानी में ना रहें तो मर जाती हैं वो लोग। तो यही होता है जब स्टार फिश ना बाहर आती थी तो एक बच्चा ना था और वो बच्चा उठाता था फिशों को और बाहर फेंकता था, अब 1 मिनट में 50 से 60 फिश बाहर आती थी यानी मरने के लिए, और वो 1 मिनट में 2 या 3 को अंदर फेंकता था, वो बाहर आई जा रही है वो फेंकी जा रहा है, वो बाहर आई जा रही है वो फेंकी जा रहा है। तो वही यही एक कम फिर इस तरह की कहानी कि एक CEO का कंपनी का मतलब बहुत बड़ा अमीर शख्स होता है, वो वहाँ से गुजर रहा होता है, बल्कि कर्नल होता है, सॉरी हाँ कर्नल होता है, रिटायर्ड कर्नल होता है, वो वहाँ से गुजर रहा होता है, तो वो देखते हैं बच्चे को कहते हैं ये पागल है, 50 60 तो वैसे ही मर जा रही है, तू 2 3 को क्यों फेंक रहा है बाहर। तो वो जाता है उसके बाद वो कहता है बेटा तुम क्या कर रहे हो, मैं किसी की जान बचा रहा हूँ, स्टार फिश की एक की जान बचा रहा हूँ। वो कहता है कि आपका दिमाग ख़राब है, आप देख नहीं रहे 1 मिनट के अंदर कितनी आ जाती हैं, समझ आ रही है 1 मिनट के अंदर कितनी आ रही हैं और तुम क्या कर रहे हो ये। तो वो कहता है क्या कहता है, वो कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो बच्चे को कहता है, कहता है क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, 50 60 ने वैसे ही मर जाना है। बच्चा क्या करता है, बच्चा एक स्टार फिश उठाता है और उसे यूं करके दिखाता है, और दिखाने के बाद कहता है यूं उठा के पानी में फेंकता है, कहता है इसको तो फ़र्क पड़ेगा, समझ आई, यानी एक तो बचेगी ना भाई, क्या हो गया, समझ आई ये कि पावर ऑफ थिंकिंग बिग का मतलब क्या है, क्यों आपने कामयाब करना है, क्यों बड़ी सोच लेनी है, क्यों कामयाब होना है, क्योंकि आपकी वजह से किसी को फर्क पड़ेगा, नहीं समझ आई, अब दूसरी कहानी बड़ा सोचना है। दूसरा ये कि क्यों सोचना है, इसका जवाब भी मिल गया भाई, इसलिए सोचना है कि अगर हमारे से जुड़े हुए 50 60 लोग हैं, ये चलो 10 लोग हैं, उनमें से एक को तो फर्क पड़ेगा, मैं तो कहता हूँ 10 के 10 को पड़ता है भाई। मिसाल दे रहा हूँ, आप डॉक्टर बन जाते हो, या मेरी एक सिस्टर डॉक्टर है, तो आपको पता है पूरे ख़ानदान में जहाँ कहीं कोई मसला होता है वो सब आ जाते हैं और वो उनकी हेल्प करवा देती है, बस क्या होता है। तो अगर आप डॉक्टर हो तो आप पूरे घर के डॉक्टर हो भाई, डॉक्टर के जाने का खर्चा बना है, खर्चा बचा कि खर्चे को छोड़ो, खर्चा छोटी चीज़ है, बहुत सी चीज़ें बची, बहुत सारी बीमारियों से वो आपको बचा लेगा, आप बचा लोगे उनको अगर आप बन जाते हो तो। कहने का मतलब है कि आपके कामयाब होने से सिर्फ आप नहीं होते कामयाब, इसीलिए तो आपने बड़ा सोचना है कि आप जितना बड़ा सोचोगे ना उतने ही ज़्यादा लोगों तक अपनी कामयाबी को फैलाओगे और उतनी ही ज़्यादा खैर का काम करके जाओगे।